assalamu alaikum grade 9 how are you i hope all of you are fine healthy safe and happy faiza nadim here with your english lessons again and again i keep on asking the same question that i hope that by this time you have designed your revision or learning schedule and following it religiously what we are going to do today I am going to tell you within a minute so let's move together and find out what I have brought for you today grade 9 kya kera board what ye review 2 ke tamam writing skills comprehensions questions और ग्रामर और वोकैबुलरी वी हैव डन ऑल ऑफ दोस अब वी आर लेफ्ट विद द क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चंस ठीक है रिव्यू टू में आपके तीन क्रिएटिव राइटिंग ऑप्शंस उन्होंने दी हैं जो आपको अटेम्प्ट करनी है मैं आपसे सिर्फ जनरली ये डिस्कस करूंगी पॉइंट प्लान दूंगी वेब्स बनाऊंगी ताकि आप इसको खुद लिख सके अब जो फंडा है जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि इन तीनों क्रिएटिव राइटिंग्स में उन्होंने आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया है यू हैव टू पिक अप योर ओन टॉपिक तो मैंने वो टॉपिक्स पिक किए हैं जिसमें से आप मोस्ट ऑफ ऑल रिलेट कर सकते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन था राइटिंग स्किल्स का वो ये था कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी सोशल इशू और एनी टॉपिक ठीक है किसी भी टॉपिक पे आपने एक पैराग्राफ लिखना चाहे वो कोई सोशल इशू हो या वो आपका कोई भी फेवरेट टॉपिक हो पैराग्राफ पैराग्राफ लिखना है तो के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं जो होने जरूरी हैं वो ये है कि आपका एक क्लियर टॉपिक सेंटेंस हो ठीक है उसके बाद आपने प्रॉपर सपोर्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हो जैसे कि आपने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं डेफिनेशन दी हुई है कंपेरिजन क्लरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन सब आपके पैराग्राफ में मौजूद हो उसके बाद आप अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस यूज कर रहे हो अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हो अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स यूज कर रहे हो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हो ट्रांजिशनल डिवाइसेस कौन सी है मैंने वो वर्ड्स बताए थे ना हाउएवर ऑल्दो एज कंपेयर टू इन कंट्रास्ट टू इफ यू रिमेंबर माय ट्रांजिशनल डिवाइसेस लेक्चर मैंने आपको पूरे लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए थे जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग को मोर फ्लुएंट बनाते हैं ठीक है मोर अप्रोप्रिएट बनाते हैं और फिर आपने उनकी डिटेल्स को प्रॉपरली अरेंज किया तो आज का जो पैराग्राफ मैंने आपके लिए पिक किया है वो है बसंत बसंत का अगर आप लिखेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे इट्स द फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ स्प्रिंग ठीक है फिर बसंत इज नॉट ओनली सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान बट इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एशियन कंट्रीज ठीक है चाइना का भी ड्रैगन मेला होता है जहां पे वो इट्स उड़ाते हैं फिर काइट फ्लाइंग अफगानिस्तान में भी है फिर काइट फ्लाइंग इंडिया में भी है श्रीलंका में भी है तो काइट फ्लाइंग इज नॉट अ फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड ओनली इन पाकिस्तान इट इज सेलिब्रेटेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ एशिया उसके बाद वॉट डू वी डू वी फ्लाई ब्राइट कलर काइट्स एंड वी होल्ड कॉम्पिटिशन्स कॉम्पिटिशन्स and if somebody's kite is cut during the competition, we shout bokata loudly. lahore is famous for its basant activities, but nowadays it has become prohibited because People have started to use metal wires in order to cut their opponents' kites, and these metal wires, and these metal wires. Have taken the lives of many. If we'd be more careful and enjoy this specific event sensibly and carefully, then we can enjoy the true nature or the true essence. ऑफ दिस स्पेसिफिक इवेंट सी आपका एक पूरा पैराग्राफ राइटिंग हो गया इसमें आपका एक कम्प्लीट क्लियर टॉपिक सेंटेंस हो गया है अराइवल ऑफ स्प्रिंग उसके बाद आपने बसंत का इवेंट एक्सप्लेन किया और आखिर में आपने ये एक्सप्लेन किया कि अब बसंत जो है वो प्रोहिबिटेड है वो कैंसल्ड है उसको celebrate karna is not allowed, the government has banned this event and this is the basic reason why this event has been banned and you will conclude your paragraph by saying that we should be more sensible, more mature on how to fly the kites in such a manner that to enjoy the event only not to win the competitions or not to prove that you are a better flyer than somebody else. ठीक है बसंत का टॉपिक एक हमने पिक किया जनरल टॉपिक उसपे हमने पैराग्राफ लिखा अब राइटिंग स्किल्स का ऑप्शन नंबर टू लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन नंबर टू ऑफ राइटिंग स्किल्स जी बी ऑप्शन ये कह रहा है कि आपने एक एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन शुरू करना है लिखना है शोइंग कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन थिंग्स इवेंट्स पीपल लाइफ स्टाइल

बिटवीन माई जेनरेशन एंड योर जेनरेशन ट्रस्ट वी राइट तो अब अगर आपने एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन लिखना है तो आपके पास कौन से एलिमेंट होने चाहिए आपके पास सबसे पहले आइडियाज को इन्वेस्टिगेट करने की एनर्जी और उसकी सेंस होनी चाहिए सबसे पहले आपने आइडियाज इन्वेस्टिगेट करने फिर आपने इवेंट्स को इवेल्युएट करना है एविडेंसेस को इवेल्युएट करना है

सबसे पहला सेंटेंस आपके सबसे पहले पैराग्राफ का ये होगा कि टुडे इज गवर्नड बाय द ऑफशूट्स ऑफ साइंस टुडे वी आर बीइंग रूल्ड बाय साइंस टुडे साइंस इज बेसिकली टेकन ऑफ और टेकन ओवर आवर लाइफस्टाइल वी हैव बीन कंप्लीटली बिकम पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ साइंस बट द क्वेश्चन हियर अरिजेस वर आवर फोरफादर्स हैप्पीयर देन अस लेट्स कंपेयर आवर फोरफादर्स लाइफ फर्स्ट किस तरह की जिंदगी थी उनकी उनकी जिंदगी थी बहुत सिंपल ठीक है दे लिव्ड अ सिंपल लाइफ दे यूज टू मूव थ्रू कैरेजेस ठीक है दे लिव इन सिंपल हाउसेस सिंपल हाउसेस राइट उसके अलावा क्या था सिंपल फूड टू ईट अब आपकी तरह पास्ता और ये और वो ये सब कुछ नहीं था दे यूज टू वर्क बाय हैंड ठीक है दे यूज टू वर्क बाई हैंड हर कुछ उनके पास कोई मशीनरी नहीं थी कोई चीज नहीं थी दे यूज टू वर्क एवरी थिंग बाई हैंड ठीक है उसके बाद क्या था देव इन मैड हाउसेज आपकी तरफ पंखे एसी ये सब कुछ नहीं था उनके पास नो गैजेट नो टीवी no internet and the information was information was very slow the information was very slow, so they did not know a lot. they were very backward people in our terminology and what are the अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडर्न एज क्या है मॉडर्न एज की अचीवमेंट्स मॉडर्न एज की अचीवमेंट सबसे बड़ी है इंटरनेट फिर आपकी मॉडर्न एज की अचीवमेंट है बेटा लग्जूरियस लाइफस्टाइल आपका लाइफस्टाइल कितना लग्जूरियस है अगर कानून देखे ना तो वो परेशान हो जाए ठीक है जिसके खजाने आज तक मशहूर हैं इतना लग्जूरियस लाइफ है उससे ज्यादा अच्छे बेड पे सोते हो उससे ज्यादा ठंडा पानी पीते हो ठीक है यू हैव गैजेट्स यू हैव सोशल नेटवर्किंग ठीक है यू हैव वॉट एवर अ पर्सन कैन ड्रीम ऑफ सब कुछ आपके पास है बट here the question arises are we happier than our forefathers because we are lacking morals no morals no love for everybody nowadays we are so engrossed in our virtual world that we don't know what is happening in the real world, we have become far apart from each other because we now believe on me first. Our forefathers believed on. Giving priorities to the others, but we believe on me first. So, with all these luxurious life, with all these uh, gadgets, and with all these scientific achievements, the question here arises are we really happier than our forefathers? No, because we are putting me first, we are not putting others first. That's why. So, your Expository composition, how to write the composition, the topic, main ideas, help, everything is on the board. You are going to further investigate, use transitional devices, use evidences from the past and the present, and write this creative writing. Let's move on to the next topic of the day. अब ये सबसे आसान टॉपिक है और आप हैप्पीली लिखोगे एक जनरल से टॉपिक पे आपने एक कैसे लिखना है अब इस टॉपिक पे आप कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो आपका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी सेंट्रल थॉट्स को वैरायटी बिटवीन है हर पैराग्राफ एक डिफरेंट आइडिया बताएगा एविडेंसेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे आप ट्रांजेक्शनल डिवाइसिस यूज करेंगे और जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो वो बेसिकली समराइज करेगा तमाम क्रिएटिव राइटिंग का इससे जो आपने लिखा था और सबसे ज्यादा ध्यान आपने किस चीज का रखना है सबसे ज्यादा ध्यान आपने रखना है कि आपकी वोकैबलरी और आपकी ग्रामर करेक्ट हो तो ये टॉपिक आपका है आज का माय हाउस ठीक है लेट्स राइट ऑन योर ओन हाउस आप क्या आप लिखेंगे इसको क्यों शुरू करेंगे आई लिव ऑन दिस एंड दिस आर द एड्रेस ऑफ माय हाउस इज दिस एंड दिस से ऐसे शुरू करोगे बेटा नहीं ना आप कैसे शुरू करोगे अ हाउस इज अ बेसिक नेसेसिटी ठीक है यू विल राइट दैट इट्स अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ अ हाउस इज अ Place where you find shelter. It's just like your mother's lap. The way you find comfort and shelter in your mother's lap, you find the same comfort and shelter in the house of your own. And if you have your own house, then half of the problems of today's world are reduced. राइट ये आपका बिगरिंग होगा हर के सब अपने जी स्टैंडर्ड में नहीं शुरू करेंगे ठीक है उसके बाद आप क्या लिखेंगे देन यू कैन डिस्क्राइब अबाउट योर हाउस के आई हैव अ लॉन्ग लिविंग रूम एंड अ ड्राइंग रूम दैट इज कम्पलीटली फर्निश्ड वी हैव फोर बेडरूम्स एंड द वेरी ब्यूटिफुल व्यू ऑफ आर गार्डन ठीक है देन यू आर गोइंग टू टेक सम टाइम to describe the outdoors of your house okay? we have a, a beautiful garden outside and a lot of variety of trees are grown there birds sit there in the morning and in the evening we find comfort and solace comfort Content, we feel content when we are inside our house. Solace. Use all these vocabulary words in this creative writing. And when you are going to conclude, you are going to write that a house is a very important place. As people have said, As the idiom says, there is no place like home, and you can even add, and you can even add. That a house or a home is built with the people inside, and if we are happy with our family, then we are going to have a very comfortable and happy life right So this was today's third topic Basants are we happier than our forefathers in my house? I' have given you three examples of three creative writing questions that were asked in your review two exercises. With this we have done the review two exercises I hope. That you have basically solved all these exercises with me and you are clear with the concept. Inshallah, we will meet soon in the next lecture. By that time, take care of yourself, keep practicing, keep studying, be healthy, be safe. Allah Hafiz.